इनको अखिलेश यादव से दूर क्यों भाग रहा है मुस्लिम? असल में मुस्लिम क्या बीसी का बोर्ड अखिलेश यादव से इसीलिए दूर भाग रहा है क्योंकि वहाँ कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। चंद्रशेखर से? चंद्रशेखर के साथ हैं। चंद्रशेखर हर जहाँ जहाँ भी कोई अगर लफड़ा होता है तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं वो, और वहाँ पे जाते भी हैं, उनकी सुनते भी। ज़्यादातर समाजवादी के होते रहता है यहाँ, पूरा अपने के पूरी विधानसभा और सांसद भी समाजवादी है, लेकिन कोई विकास नहीं। रोड देखो आप, तुम कुंदरकी से लेकर डींगरपुर तक का क्या हाल हो पड़ा है। इतनी पिछड़ी जाति की है, सबका अपमान ही है। अद्दा रोड़ा क्यों कहते हैं उनकी नज़र में? अद्दा रोड़ा क्यों? अद्दे रोड़ी है, मतलब किधर की बीसी वालों को अद्दे रोड़ी समझ रहे हैं। किधर को भी डाल दो, अद्दे होते हैं ना, इधर से उठाए इधर को फेंक दो, इधर से उठाए इधर को ले लो। तो ये अद्दे रोड़े आपके दिखाएंगे कि अद्दे रोड़े जिधर जाते हैं उसी उधर की सीट निकलती है। 101,62,000 वोट है अद्दे रोड़ों के इस सीट पे, 1,62,000 है समथिंग मेरी जहाँ तक आइडिया। तो 1,62,000 जिधर वोट चले गए तो वो वही विधायक। आपका अपमान हुआ है? जी जी, अपमान किया रिजवान ने। जी, तो ये 500 रुपये कमाने वाला यार, 1,000-2,000 रुपये का सिलेंडर उठा रहा है, कोई ठिकाना है? तो ये कोई काम अच्छा तो रही है यार। चांद बाबू से क्या उम्मीद है? चांद बाबू से ही उम्मीद है, वो हमारी जाति का है। गांव के तमाम चौराहों पर देख रहे हैं और हर चौराहे पर लोग मिल रहे हैं, जैसे जैसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। इस बार चुनाव आ गया है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल इस बार तो चांद बाबू का है, जो केतली का निशान है वही माहौल है पूरे गांव में। 29 विधानसभा पे ज़्यादातर जो इस समय वोट का जो है वो केतली का ही निशान है चांद बाबू को, क्योंकि बीसी का जो वोट है ज़्यादातर 99% चांद बाबू का ही वोट है यहाँ। और कोई बीजेपी रही या समाजवादी रही, पहले समाजवादी का गढ़ रहा था यहाँ पर, इस बार समाजवादी का कोई यहाँ गढ़ नहीं है। 100% में से अगर साइकिल का कोई समाजवादी का वोट रहेगा तो 20% रहेगा केवल, 80% चांद बाबू का केतली का निशान है। कुछ लोग कह रहे हैं आप ही के गांव के रामवीर का रुझान ज़्यादा है। नहीं नहीं, ये सब झूठे वादे हैं, झूठी बात कही जा रही है जहाँ भी कहा जा रहा है। बीजेपी का तो कोई इतना लंबा यहाँ वो सिलसिला नहीं है। अच्छा। बीजेपी का अगर वोट रहेगा तो उसका रहा 25% रहेगा। अच्छा, चांद बाबू कैसे व्यक्ति हैं जो आप इतनी तारीफ? बढ़िया व्यक्ति हैं। ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? चांद बाबू का बहुत अच्छा प्रचार है यहाँ पर। देखिए, वो छोटे आदमियों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, इसीलिए उनको चांद बाबू का हर बीसी वाला इंसान सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है और सबसे बातचीत करते हैं, आते हैं हमारे गांव भी, जगह जगह हर जगह घूमते हैं वो, इसीलिए उनको। अखिलेश यादव से दूर क्यों भाग रहा है मुस्लिम? असल में मुस्लिम क्या बीसी का वोट अखिलेश यादव से इसीलिए दूर भाग रहा है क्योंकि वहाँ कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। समाजवादी वाले जो मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी हैं, उन्होंने आज तक बीसी के लिए या छोटी जाति के लिए मुसलमान के लिए कोई सुनवाई आज तक नहीं करी है। अच्छा। कहीं पार्लियामेंट में कोई बात आ जाती है मुसलमान के लिए, वो कहीं नहीं बोले आज तक, कोई मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, इसलिए समाजवादी से मुसलमान पीछे है। चंद्रशेखर से? चंद्रशेखर के साथ हैं। चंद्रशेखर हर जहाँ जहाँ भी कोई अगर लफड़ा होता है तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं वो, और वहाँ पे जाते भी हैं, उनकी सुनते भी हैं। चंद्रशेखर ने आपके कौन से मुद्दे उठाए, कुछ याद है? हाँ, चंद्रशेखर ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी बैराज में हुआ है मामला, तो बैराज में भी चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने उसके बारे में मुद्दा उठाया है। और भी जगह जगह जो है उन्होंने चंद्रशेखर जी ने जो मामला उठाया है हर जगह वो बोले हैं मुसलमानों के लिए। इसका जो फायदा मिलेगा यहाँ पर उनका? जी इंशाल्लाह 101% फायदा मिलेगा। कैसा क्या माहौल है आपके ये साथी कह रहे हैं? हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद बाबू का अच्छा होल्ड है यहाँ पे, जैसे समाजवादी पार्टी का यहाँ पे प्रत्याशी रह चुके थे विधानसभा से जियाउर रहमान साहब, तो यहाँ पे इतना खास तरीके से विकास नहीं हो पाया जो होता है, विकास कोई खास विकास नहीं है। लेकिन ये है कि चांद बाबू आ रहे हैं, नए प्रत्याशी हैं और दलितों के और ये छोटे जो बीसी के और जो जाति हैं इनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी हिसाब के अभ्यक्ति हैं जो बात करते हैं दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, सभी को जोड़ के साथ चलते हैं। तो इसलिए लग रहा है कि चांद बाबू का अब किसी होल्ड। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम समाज तो हमारा साथ रहा है, हमारा रहा है हमेशा वोटर, हमने तो वोट किया है ना। वो सब बातें तो लोग करते बोलते ही हैं कि ये कर रहे हैं ये भी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो कि, और किया भी नहीं है यहाँ हमारे इसमें। इनके ज़्यादातर समाजवादी के होते रहता है यहाँ, पूरा अपने के पूरी विधानसभा और सांसद भी समाजवादी है, लेकिन कोई विकास नहीं। रोड देखो आप, तुम कुंदरकी से लेकर डींगरपुर तक का क्या हाल हो पड़ा है, 10 साल से रोड तक न डाला, क्या करेंगे विकास का? चांद बाबू तो अभी मान लीजिए चुनाव जीत भी गए तो वो एक ही अकेले विधायक रहेंगे, तो वो कुछ कर पाएंगे क्यों नहीं? अगर जब विधानसभा में जब जाएंगे तो अपना मुद्दा तो उठाएंगे ना। हाँ।
बात तो रखेंगे अपना प्रस्ताव, कुछ तो अपने करता है आदमी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना जो कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, समाजवादी का भी और कोई होल्ड नहीं। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार चुनाव? बढ़िया माहौल है। अच्छा, चांद बाबू का और प्रत्याशी रामवीर रिजवान? हाँ, इनका तो काम खराब है। कैसे काम खराब है? एक दो काम, अरे जीत के घर बैठ जाऊंगा, काम ही खराब है। सुना कब है लोग अद्धे रोड़े बता मैं, ये लोग अद्धे रोड़े और बीसी वालों को। अच्छा, हाजी रिजवान साहब बता मैं, अद्धे रोड़े हैं ये तो। ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब कहने में क्या बात है भाई, बात यही है और कोई बात ना, बीसी वाले अद्धे रोड़े हैं, रिजवान काम खराब है रिजवान का। अच्छा, इस बार जो चांद बाबू है वो भी बीसी समाज से हैं, तो उनका भी अपमान किया है क्या आप ही नहर में? वो भी तो बीसी। हाँ, तो उनका भी सबके सभी का किया उन्होंने, जितनी पिछड़ी जाति की है सबका अपमान ही। अद्धा रोड़ा क्यों कहते हैं उनकी नजर में? अद्धा रोड़ा क्यों? अद्धे रोड़ी है मतलब किधर की, बीसी वालों को अद्धे रोड़ी समझ रहे, किधर को भी डाल दो, अद्धे होते हैं ना, इधर से उठाए इधर को फेंक दो, इधर से उठाए इधर को ले लो, तो ये अद्धे रोड़े आपके दिखाएंगे कि अद्धे रोड़े जिधर जाते हैं उसी उधर की सीट निकलती है। 101,62,000 वोट है अद्धे रोड़ों के इस सीट पे, 1,62,000 है समथिंग मुझे जहाँ तक आइडिया, तो 1,62,000 जिधर वोट चले गए तो वो वही विधायक। आपका अपमान हुआ है? जी जी, अपमान किया रिजवान ने जी। तो ये जो अपमान है ये बदला लेंगे कैसे लेंगे? ये वोटों से लिया जाएगा, वोट देकर ही बदला लिया जाएगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे फिलहाल। दादा क्या नाम है? नबी हुसैन। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव की माहौल? चुनाव का यही है कि हम तो चांद बाबू की वोट देंगे भाई। अच्छा, ये कह रहे हैं कुछ आपके गांव के लड़के के अद्धा रोड़ा बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, रिजवान ने बताया है। किसी काम के लिए गया, अरे बोले जाओ अद्धा रोड़ा, तुमसे क्या काम है मेरा। अच्छा, हाँ बिल्कुल हकीकत बात है यार। सबसे ज्यादा तो वोट आपने किया है, वो बात सही है आपकी। जब मैंने आपको किसी लायक कर दिया और मैं किसी काम से जाऊंगा, आप मुझे अद्धे रोड़े बताओगे तो मैं आगे के लिए फिर तुम्हारा ध्यान रखूंगा, वही बात है और कोई बात ना है। अपमान हुआ? हाँ अपमान हुआ, नीची जाति की आप अद्धे रोड़े बता रहे यार, तो ले भैया नीची जाति बच गई तुझसे। रामवीर हैं बीजेपी वाले, हाँ उनसे भी कोई राजी ना है। बीजेपी क्या कर रही है यार, तमाम चीज़ों पर महंगाई बढ़ा दी, गरीब मर रहा है, 400-500 रुपए कमाने वाला यार 1,000-2,000 रुपए का सिलेंडर उठा रहा है, कोई ठिकाना है? तो ये कोई काम अच्छा तो रही है यार। चांद बाबू से क्या उम्मीद है? चांद बाबू से ही उम्मीद है, वो हमारी जाति का है। अच्छा, जाति विशेष? हाँ, वो भी मतलब ये मलिकी है और हम भी मलिकी हैं, जो अब वो तो अल्लाह अद्धा रोड़ा को जो बोल रहे हैं उनको ही अपना अपमान का बदला लेंगे आप करके। बदला क्या है, आदमी के दिल का वोट जो है, दिल की वो है रात, जिसे दिल कर रहा है उसे देंगे। दिल कर रहा है चांद बाबू के लिए? हाँ, चांद बाबू के लिए दिल कर रहा है आपका, तो हारे या जीते वो कुदरत के हाथ में। तो यहाँ पर तमाम गांव के लोग हैं और भी इधर गांव के हैं, मैं लगातार गांव में बातचीत कर रहा हूँ। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और देखते रहें बी मिशन टीवी की, किस तरीके से हम चुनावी माहौल आपके बीच रख रहे हैं। धन्यवाद साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।